नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द बिग ट्रायंगल की। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ट्रायंगल की फॉर्मेशन जब हाथ पर होती है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु यहाँ आज मैं जो जानकारी आपको ट्रायंगल के लिए देने वाली हूँ वो बिल्कुल यूनिक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हाँ, आज हम बात करते हैं कि ट्रायंगल जो है वो किस प्रकार से हाथ पर फॉर्म होता है। सबसे पहले चलिए जानते हैं, अपने हाथ के ऊपर ही ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लाइफ लाइन, इस प्रकार से हमारी लाइफ लाइन होती है और इस प्रकार से हमारी ब्रेन लाइन जिसे हम बोलते हैं, और ये है हमारी भाग्य रेखा, और यहाँ से एक रेखा निकलती है जिसे हम स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। ये इस प्रकार से बुध तक जाती है, इस रेखा को हम स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं। और इस प्रकार से जो ये सारा आपको दिखाई दे रहा है, सारा ट्रायंगल, इस प्रकार से ये वाला हिस्सा, इसे हम द बिग ट्रायंगल बोलते हैं। ये हमारे जीवन में क्या रिजल्ट देता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए, अंदर की लाइंस को मैं रिमूव करती हूँ जो ट्रायंगल के लिए मैंने आपको दिखाई हैं। अब बात करेंगे कि इस बिग ट्रायंगल में क्या ऐसा है जो हमें ये दर्शाता है कि ये अच्छा है या बुरा है। किसी भी हाथ में जब ये ट्रायंगल बनता है, जहाँ से जीवन रेखा शुरू होती है और हमारी ब्रेन लाइन शुरू होती है, अगर ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से बहुत आगे तक जुड़ी हुई हों, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ दोबारा इसे ड्रॉ करके, ये जो लाइंस हैं ये इस प्रकार से अगर जुड़ी हुई हों, इस प्रकार से बहुत आगे तक जुड़ी हुई हो, और जो लाइन है वो काफ़ी नीचे तक जा रही हो, यानी मून के पर्वत तक ब्रेन की लाइन पहुंच रही हो, तो ऐसे में जो ट्रायंगल बनता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट विचारों का नहीं हो सकता, वो बहुत डिपेंडेंट रहने वाला होता है, उसको हमेशा किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इस ट्रायंगल को हम अच्छा ट्रायंगल नहीं मानते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर नहीं देता है, ये आपको अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं देता है, इसलिए इस ट्रायंगल को हम अच्छा ट्रायंगल नहीं मान सकते। चाहे हम ये माने कि ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा हो सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल जिसे हम छोटा ट्रायंगल जो बोलते हैं, लकी ट्रायंगल जिसे बोला जाता है, वो भी फॉर्म हो रहा है क्योंकि बुध की रेखा से वो फॉर्म होता है, परंतु फिर भी ये बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति किसी के नीचे रहकर ही काम कर सकता है, अपने इंडिपेंडेंट विचारों के साथ काम करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगला जो हमारा ट्रायंगल बनता है वो किस प्रकार से बनता है, आइए देखते हैं। अगला जो ट्रायंगल है, जैसे यहाँ से हमारी लाइफ लाइन स्टार्ट होती है, और अगर हमारी ब्रेन लाइन इससे सेपरेट चल रही है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ती ना हो, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारी स्वास्थ्य रेखा है और यहाँ से जा रही है ये हमारी भाग्य रेखा। इस प्रकार से जो ये जो एरिया है ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है, और ये ट्रायंगल जो है ये यहाँ से खुला हुआ है, परंतु फिर भी इस ट्रायंगल को हम अच्छा मानते हैं काफ़ी हद तक। ये आपको इंडिपेंडेंट विचार देता है, ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव है बहुत इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी बात को ऊपर रखते हैं, किसी की बात को ज़्यादा सुनते नहीं हैं, किसी की बातों में ज़्यादा आते नहीं हैं, वो अपनी बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। कई केसेस में ये जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ वो नुकसानदेह भी हो सकती है, परंतु मोस्टली केसेस में ये अच्छी मानी गई है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जहाँ जिसकी ये दो लाइंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो जाता है, बहुत अर्ली एज में उसकी तरक्की हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे के ट्रायंगल की हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो हमारा ये ट्रायंगल है वो हमें क्या कह रहा है। आगे अगर लाइफ लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो रही हो, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि थोड़ी नीचे को झुकी हुई है, और साथ में जो ब्रेन लाइन है वो भी नीचे को झुककर आगे जा रही है, इस प्रकार से अगर लाइंस झुकी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत डरपोक स्वभाव का होता है, उसके पास चाहे पैसा हो चाहे ना हो, परंतु वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता, बहुत डिपेंडेंट नेचर का होता है, बहुत डरपोक होता है, हर काम को करने से पहले बहुत बार सोचता है, अपने इंडिपेंडेंट विचारों को वो प्रस्तुत ही नहीं कर पाता, इसलिए इस ट्रायंगल को अच्छा नहीं माना जा सकता। ये ट्रायंगल वो इंडिपेंडेंट विचार नहीं देता, अपने विचारों को प्रकट करने का हौसला नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर मार्स का क्षेत्र माना जाता है, मंगल का क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर जब
लाइफ लाइन झुक जाती है और ब्रेन की लाइन झुक जाती है, तो ये दोनों ही सोचने की क्षमता को काफ़ी हद तक सीमित कर देती हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुद सोचकर काम नहीं कर पाता। आगे के ट्रायंगल्स की बात करते हैं। यहाँ पिक्चर में आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ आपको दो ट्रायंगल्स दिखाई देंगे। एक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल, और दूसरा है यहाँ वाला ट्रायंगल। इस प्रकार से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। जो अंगूठे की तरफ का ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारे खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारी छोटी उंगली के साथ का ट्रायंगल है नंबर टू, यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, ये हमारा नंबर वन है। नंबर टू का जो ट्रायंगल है, ये हमारी बचत को दर्शाता है। अगर नंबर वन जो ट्रायंगल बनाया है, अगर वो बड़ा होगा तो खर्चे बड़े होंगे, अगर नंबर दो का ट्रायंगल बड़ा होगा तो बचत ज़्यादा होगी। इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल हमें हमारे खर्चे, यानी कि हमारे जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस जो भी होते हैं डेली रूटीन में होते हैं, या जो भी हम इनकम करते हैं, खर्चे उससे ज़्यादा हैं या कम हैं, ये बताता है। और नंबर वन का जो ट्रायंगल है, वो हमें बताता है कि हमारी इनकम ज़्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती। इस प्रकार से आप हाथ में देख कर, सिर्फ ट्रायंगल्स को जज करके आप देख सकते हैं कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी या आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। परंतु अगर आप इन दोनों चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रोग्रामिंग को सेट करके कि आपने खर्चों को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि आपका ट्रायंगल छोटा है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और आपके लाइंस जो हैं, आपके ट्रायंगल्स जो हैं, वो अपने आप धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट ट्रायंगल की बात करते हैं। हमारे हाथ पर अगर इस प्रकार से, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये जो आप छोटी उंगली के नीचे की लाइन देख रहे हैं, ये हमारी इंट्यूशन लाइन है। इसे हम बुध रेखा यहाँ पर नहीं मानेंगे, ये हमारी इंट्यूशन लाइन है। मैं यहाँ आपको रिमूव करती हूँ सर्कल को। आप देखिए कि यहाँ पर इंट्यूशन लाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, और एक छोटा उससे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा। इसे हम, जैसे कि मैंने पहले बताया, सेविंग का ट्रायंगल बोल सकते हैं, परंतु ये जो ट्रायंगल है, अगर ये जो, ये हमारी बुध रेखा नहीं है एक्चुअल में, इसे हम इंट्यूशन लाइन बोलते हैं। अगर इंट्यूशन लाइन से ये ट्रायंगल बनता है, तो ये हमारी इंट्यूशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। ऐसे व्यक्तियों का ज्योतिष में, वास्तु में, रेकी में, न्यूमरोलॉजी में, ऐसे फील्ड्स में, अकल्ट साइंसेस के फील्ड में बहुत अधिक रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर वो रिलीजियस कामों में ज़्यादा ध्यान देंगे, तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इस ट्रायंगल को बहुत अच्छा ट्रायंगल माना जाता है। कई हाथों में देखा गया है कि बुध रेखा जो है वो छोटी होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी बुध रेखाएं होती हैं, और साथ में एक बड़ी इंट्यूशन लाइन होती है। तो ये इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, इस ट्रायंगल को बहुत अच्छा ट्रायंगल माना जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि हाथ पर बहुत सारे तरह के ट्रायंगल्स बन सकते हैं, और वो आपको अलग अलग रिजल्ट देते हैं। इसलिए ट्रायंगल को अच्छे तरीके से समझ के ही प्रेडिक्शन करें, और जैसा मैंने बताया है, ट्रायंगल्स को उसी तरीके से समझने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। धन्यवाद।